सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकित एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडु हब। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल। सो ऑलरेडी इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स करवा दिए हैं, आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो काफी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि लास्ट के 3 चैप्टर्स के बना दो। तो देखो, एक्चुअली मैंने वीडियो इन 3 चैप्टर पे इसलिए नहीं बनाए थे बिकॉज ये कंप्यूटर वाला थोड़ा सा फिर भी इम्पोर्टेंट है एंड ये थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है। मतलब इसमें समझाने वाला ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें मतलब प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पढ़ाया नहीं था बिकॉज इट्स वेरी इजी कि कंप्यूटर क्या है, उसके पार्ट्स क्या है, जो हम ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। फिर भी हम इसमें जो है डिस्कस करेंगे एंड लास्ट के तो 2 चैप्टर है, दैट इज फील्ड सर्वे, ठीक है। फील्ड सर्वे यार देखो, आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें जैसे इस बार लॉकडाउन था या फिर आपके स्कूल बंद थे कोरोना की वजह से, तो आप फील्ड सर्वे नहीं कर पाए। बट एक्चुअली क्या होता है, फील्ड सर्वे होता है तो इस चैप्टर को उतना खास पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन सी चीज है कि फील्ड सर्वे में आप क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या क्वेश्चन पूछते हो, कैसे इंटरव्यू लेना है। तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को नहीं किया था एंड लास्ट जो चैप्टर है वो जीआईएस पे है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हम देख लेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में 4th चैप्टर को करेंगे जहां पे हम देखेंगे यूज ऑफ कंप्यूटर इन डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग। सो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं कि व्हाट इज डेटा, ठीक है। हमने देखा कि डेटा क्या है, उसके बाद हमने देखा कि हम डेटा को कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। हमने मीन, मीडियन, मोड ये सब देखा, उसके बाद हमने देखा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करें, ठीक है। जैसे हमने बार ग्राफ में देखा, पाई चार्ट में देखा, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, लाइन ग्राफ देखा, ये क्या है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया, मतलब डेटा क्या है आपने समझा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन, मीडियन, मोड कैसे निकाल सकते हैं, रेंज कैसे निकाल सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद हमने मैप्स के भी देखे थे कि कोरोप्लेथ मैप, आइसोप्लेथ मैप। इसके बाद हमने देखा कि उनको हम कैसे जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं ब्यूटीफुली, जैसे पाई चार्ट बना के, बार ग्राफ बना के, ठीक है। बट हम फिर कंप्यूटर क्यों पढ़ रहे हैं, देखो अभी ये जो जमाना है ना, ये जमाना है टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, अभी हाथ से बनाने की वजह, जैसे आप बार ग्राफ फिर पाई चार्ट बनाते हो, बार डायग्राम, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, पॉलीग्राफ ये सब बनाते हो ना, तो अभी हाथ से बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर आपको खुद कैलकुलेट करके दे रहा है, कंप्यूटर आपको जो है खुद उसके बार डायग्राम बना के दे रहा है, पाई चार्ट बना के दे रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी आने से हमारी लाइफ क्या हो गई, इजी हो गई है। तो अभी आपको ना कैलकुलेट करने की जरूरत है, ना उसको बनाने की जरूरत है, बस आप डेटा कलेक्ट करो, उसको ठीक से फॉर्मुलेट करो और इजीली जो है आजकल डेटास बन जाते हैं, ठीक है। सो इसके बाद हम नीचे चलते हैं फर्स्ट पॉइंट को देखने के लिए, दैट व्हाट कैन अ कंप्यूटर डू। तो एक कंप्यूटर क्या कर सकता है, आपको ये पता होना चाहिए एक कंप्यूटर क्या कर सकता है। तो बेसिक से थिंग है जो हम बचपन में ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। आपको ही पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब सिस्टम्स लाइक दी मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। आपने पढ़ा होगा इनपुट सिस्टम, आउटपुट सिस्टम, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, ये सारी चीजें जो है आपने पढ़ी होगी, ओके। सो All these subsystems work together to make a integrated system and it is an extremely powerful device which is apt to have a important effect on the system of data processing. तो देखो, हमें कंप्यूटर का कुछ लेना देना नहीं है, हमें ये नहीं देखना कि उसके मतलब सीपीयू कैसे काम करती है, उसके प्रिंटर कैसे काम करती है, मॉनिटर में क्या क्या फंक्शन होता है, ये नहीं देखना। हमें देखना है कि हम कैसे इसके थ्रू डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। ये 3 चीजें याद रख, डेटा प्रोसेस कैसे करना है, मैपिंग कैसे करना है एंड एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। हमें बस कंप्यूटर का इसी से मतलब है कि हम कैसे डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। बाकी क्या जो है, आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है यहाँ पे, आपको बस इन चीजों को सीखना है थोड़े बहुत, ठीक है। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, मीन्स इसमें समझने वाला, पढ़ने वाला कुछ है नहीं, रट्टा मारने वाला कुछ है नहीं, सीधा सा मैं आपको दिखा दूंगी, आपको इजिली समझ आ जाएगा, ओके। तो देखो, आजकल कंप्यूटर जो है एडिशन, सबस्ट्रैक्ट, सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर देता है। तो जिसको भी मैथ्स पसंद नहीं है, कैलकुलेशन करना पसंद नहीं है, ठीक है, जिस वजह से आपने मैथ्स छोड़ा है क्लास 11-12 में, तो देखो आप कंप्यूटर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा क्योंकि उसको एडिशन भी आती है, सब्स्ट्रैक्शन भी आती है, मल्टीप्लीकेशन भी आती है, परसेंटेज निकालना भी आता है, ठीक है, बार ग्राफ और ये सब भी वो बना देगा कंप्यूटर, तो आप निश्चिंत रहे, ओके। सो इट
इन शॉर्ट, अ कंप्यूटर इज अ डेटा प्रोसेसर दैट कैन परफॉर्म द सब्सटेंशियल कंप्यूटेशन एंड ऑल दिस। अब हम यहाँ पे देखो क्या क्या जो है एडवांटेजेस है कंप्यूटर का। तो द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ द कंप्यूटर मेक इट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मैनुअल मेथड। देखो अब जब मैनुअल मेथड से करते हो ना, ठीक है, और अगर आप कंप्यूटर के यूज से करते हो तो दोनों में काफी डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, आप मैनुअल में जितनी स्पीड से करोगे उससे आधे स्पीड में आप कंप्यूटर में बना लोगे, उससे ज्यादा परफेक्शन के साथ आप कंप्यूटर में बनाओगे, आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। ठीक है, सो कंप्यूटर के काफी सारे एडवांटेजेस है जो उसको डिफरेंट बनाती है मैनुअल मेथड से। देखो फर्स्ट एडवांटेज क्या है, दैट इट इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग। स्पीड इंक्रीज कर देता है, इट कैन हैंडल ह्यूज वॉल्यूम। ठीक है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये हैंडल करने की ताकत रखता है। हमारे पास अगर करोड़ों डेटा आ जाए हम एक साथ नहीं हैंडल कर पाएंगे, उसको याद नहीं रख पाएंगे, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप कंप्यूटर को लाखों डेटा दे दो फिर भी वो जो है कंप्यूट कर लेगा, क्योंकि उसमें ऐसे एक सिस्टम है। ओके, तो उसके बाद है देखो, इट फैसिलिटेट्स अ कॉपी एडिट सेव रिट्रीव द डेटा एट विल। अब देखो इसमें ये भी सुविधा है कि आप उसको एडिट कर लो। मान लो कि आपको एक जैसे आप लिस्ट बना रहे हो, ठीक है, सो 1 2 ये लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो आपको अचानक लिस्ट बनाते टाइम याद आया ये जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है इससे पहले एक और पॉइंट आना था जिसको थर्ड में हमें डालना ही था, तो उस टाइम में क्या होगा, मतलब ये है ना कि आप उसको फिर एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, एडिट नहीं कर सकते। एंड जो है उसको सेव करके रिट्रीव करके कि चलो मैं उसमें हूँ, मैं जो है अपने मेट्रो में हूँ, तो मैं चलो गूगल ड्राइव से खोल के भी जो है डेटा निकाल सकते हो। अगर मेरे घर में लैपटॉप है, अगर मैंने वहां पे डेटा सेव कर रखा है तो मैं उसको मोबाइल में भी एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब ये चीज है कि इसमें आप कॉपी भी कर सकते हो, कॉपी करके जो है किसी को भेज सकते हो, ओके, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, ठीक है, उसको रिट्रीव कर सकते हो डेटा को। तो इसमें काफी सारे जो है फंक्शन है। इट एनेबल्स वैलिडेशन, चेकिंग, करेक्शन ऑफ डेटा इजीली। ओके, एग्रीगेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम ओके। तो इसमें एग्रीगेट करना, डेटा को एनालिसिस करना काफी इजी हो जाता है अगर हम व्हेन हम परफॉर्म करते हैं लाइक एनालिसिस वेदर बाय ड्रॉइंग ग्राफ्स और मैप्स। तो मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगी, आप टेंशन मत लो कि कैसे इन सबको करते हैं, हम धीरे धीरे देखेंगे। बट इसका थियोरिटिकल पोर्शन जान लो कि क्या होता है कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर से क्या क्या हम कर सकते हैं। सो लाइक हम बार ग्राफ, पाई चार्ट, शेड्स, टाइप्स ऑफ शेड्स या फिर हेडिंग, इंडेक्सिंग सब कुछ कर सकते हैं, फॉर्मेट्स वगैरह सब कुछ कर सकते हैं इस कंप्यूटर की मदद से। ओके, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबको पता है। बट यहाँ पे देखो क्या क्या आपको देखना है। अ कंप्यूटर एज एन एड टू डेटा प्रोसेसिंग एंड दी एंड मैपिंग कंप्राइजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ। देखो इसमें आप जो है अगर बुक आपके सामने है तो प्लीज मार्क इट डाउन कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, स्टोरेज होता है, डिस्प्ले होता है, इनपुट होता है, ठीक है, आउटपुट एंड सब सिस्टम्स। ओके, देखो बेसिकली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंसेस होता है। हार्डवेयर जो आप फिजिकली जो आप जिसको टच कर सकते हो, ओके, जैसे सीपीयू है आपका तो आप उसको टच कर सकते हो, ओके, आपका मॉनिटर है उसको आप टच कर सकते हो, साइड में एक फैक्स मशीन लगा रखी है उसको हम टच कर सकते हो, ठीक है, आप अपने माउस को, कीबोर्ड को टच कर सकते हो, ठीक है। सो जो स्टोरेज, डिस्प्ले, ये जो है ना, इट्स comprises of the storage, display, input and output subsystems, whereas software क्या होता है, वो program होता है जिसको आप touch नहीं कर सकते, these are all the programs, ठीक है। आप MX, आप अगर MS Excel पे अगर आप data को डालते हो, ठीक है, तो उसको आप touch थोड़ी ना कर सकते हो, MS Excel एक program है, ठीक है। and उसके बाद अगर जैसे आप Microsoft PowerPoint करते हो, ठीक है, word बनाते हो, Microsoft word बनाते हो, word में काम करते हो, तो these are all the सॉफ्टवेयर्स। ओके, सो ये हम क्या बोलेंगे उसको, सॉफ्टवेयर आर द प्रोग्राम्स दैट आर मेड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कोड्स। ओके, सो आप जैसे सॉफ्टवेयर बनाते भी है, सॉफ्टवेयर डेवलपर आपने सुना होगा, वेबसाइट डेवलपर आपने सुना होगा, सो कोडिंग वगैरह करके ये सब बनाया जाता है, सो उनको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ओके, नाउ द कंप्यूटर एडेड डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग हेंस रिक्वायर्स बोथ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एज वेल एज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की भी जरूरत है, हार्डवेयर की भी जरूरत है। अगर आपके सामने स्टोरेज, डिस्प्ले वगैरह नहीं हुआ तो आप कहाँ पे डेटा स्टोर करोगे, ठीक है, फिर आपके पास सॉफ्टवेयर का कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड हार्डवेयर में क्या होता है, एक तो सीपीयू है,
एंड स्टोरेज सिस्टम। सो फर्स्ट इज सीपीयू एंड स्टोरेज सिस्टम, सेकेंड इज ग्राफिक डिस्प्ले सब सिस्टम, जो डिस्प्ले होता है, ठीक है, ग्राफिक डिस्प्ले जहां पे आपका डिस्प्ले होता है मॉनिटर। ओके, इनपुट डिवाइस जिससे आप इनपुट डालते हो, लाइक योर माउस, योर कीबोर्ड, एंड आउटपुट डिवाइस जिससे आउटपुट आपका निकलता है, ठीक है। जैसे आपने प्रिंट कर लिया चीजों को, फैक्स में किसी और को भेज दिया, दैट विल बी योर आउटपुट डिवाइस। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं सीपीयू एंड स्टोरेज सिस्टम के बारे में। सो द कोर मॉडर्न कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीपीयू। आपको पता है, आपने स्कूल के कंप्यूटर में अगर देखा होगा तो सीपीयू होता है, अगर नहीं भी देखा है तो आपको पता होगा ना कि जैसे कंप्यूटर के साथ सीपीयू आता है, ठीक है। उसके बाद विच फैसिलिटेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग डेटा कंट्रोलिंग पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो बेसिकली ये समझ लो, ये सब कुछ कंट्रोल करता है, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए आपको वो फैसिलिटी देता है, ठीक है। सो ऑल टुगेदर, ऑल द डेटा टुगेदर विद द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑक्युपाई स्पेस इन दिस स्टोरेज यूनिट विच फंक्शंस एज द वर्किंग मेमोरी। तो एक स्टोरेज यूनिट भी होता है, अगर आपको पता है, नहीं तो आप ये याद रखो कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, स्टोरेज की जगह नहीं है, जैसे हमारे क्या होता है, फोन में जो है स्टोरेज सिस्टम होता है वो फुल हो जाता है, तो उसके बाद हम डेटा सेव नहीं कर पाते, ठीक है। तो आप मान लो अगर आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं हुई तो आप कहाँ पे जो है स्टोर करोगे। तो आपके पास कंप्यूटर अगर आप खोलते हो तो आपके पास सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, ये सारे होते हैं ना, तो वहां पे जाके चीजें सेव होती है। अगर आप कुछ कर रहे हो सी ड्राइव पे, ठीक है, आप मैंने एमएस एक्सेल खोला सी ड्राइव पे, तो वो कहाँ पे सेव होगा, सी ड्राइव पे। तो उसकी डेटा कहाँ पे स्टोर हो रही है, सी ड्राइव पे, ठीक है। तो ये मतलब ड्राइव होती है, मतलब डिस्क होती है, स्टोरेज यूनिट है ये बेसिकली, ठीक है। आपने रैम सुना होगा, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप अपने अगर कंप्यूटर है आपके पास या फिर लैपटॉप है आपके पास, तो आप देखो कि उसमें कितनी मेमोरी है, ठीक है, 2 GB की मेमोरी है या फिर क्या है, तो मतलब रैम कितनी है। जैसे हम फोन में कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करते, जैसे हम फोन में चेक नहीं करते फोन खरीदने से पहले कि इसकी कितनी मेमोरी है, ठीक है, ठीक है, जैसे हम फोन खरीदने से पहले चेक नहीं करते कि इसकी रैम कितनी है, ओके, तो वैसे ये सारी चीजें हैं जहां पे डेटा स्टोर होती है। नाउ द हार्डवेयर स्टोरेज कैपेसिटी फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग शुड बी रेंज ऑफ 1 GB to 4 GB। अगर आपके पास 1 GB से 4 GB तक का स्पेस है और मोर, तो आप जो है डेटा को मैपिंग वगैरह को कर सकते हो, अच्छे से सेव वगैरह कर सकते हो। एंड दी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम कितनी है, 32 GB और मोर। सो इसमें क्या बोला गया, अगर आपके हार्डवेयर की स्टोरेज कैपेसिटी फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग कितनी रिक्वायर्ड है, 1 GB to 4 GB, ओके, गीगाबाइट, एंड रैम कितनी जरूरत है, 32 MB और मोर, ओके। बिसाइड द डिस्क स्टोरेज, द सेकेंडरी स्टोरेज सच एज फ्लॉपी डिस्क भी आते हैं, CD, पेन ड्राइव। यार ये सारी चीजें मैं क्या आपको एक्सप्लेन करूँ, आपको खुद को पता है। हम अगर डेटा सेव करना होता है, ठीक है, मैंने चलो डेटा बना लिया, ठीक है, और उसके बाद मुझे कहीं पे जाके जो है प्रिंट करवाना, अगर मेरे घर पे प्रिंटर हुआ तो मैं वहां से करवा लूंगी, या उसको पेन ड्राइव में सेव कर लूंगी, ओके, या फिर सीडी में डाल लूंगी, किसी और को देना है तो मैं इसके लिए क्या करूंगी, पेन ड्राइव, सीडी, ओके, एसडी कार्ड में डाल लिया। तो काफी सारी चीजें हैं जिसके थ्रू जो है आप ले सकते हो चीजों को। यहाँ पे देखो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे एमएस डॉक्स, विंडोज, यूनिक्स, जनरली यूज, विंडोज जनरली यूज करते हैं, ओके, सो विंडोज बीइंग मोस्ट प्रेफर्ड, विंडो 7, विंडो 10, पता होगा ये सारी चीज आपको। तो ये सारी बेसिक सी चीजें हैं कि कैसे ऑपरेट होती है विंडोज के थ्रू। सो उसके बाद क्या है, ग्राफिक डिस्प्ले और मॉनिटर। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ग्राफिक डिस्प्ले मतलब जहां पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो आपके मॉनिटर में डिस्प्ले होगी, स्क्रीन जो है, ओके। सो सर्व एज द यूजर्स प्राइम विजुअल कम्युनिकेशन मीडियम, जहां पे आप देखते हो कि जो आप डेटा डाल रहे हो, जो आप चीजें कर रहे हो वो सही कर रहे हो कि नहीं, तो कहीं पे तो दिखना चाहिए, तो कहां पे दिखता है, मॉनिटर पे दिखता है, ओके। सो उसके बाद है यस, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉनिटर, ओके। उसके बाद इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, जिससे आप चीजों को इनपुट डाल रहे हो, ठीक है, अगर आप माउस के थ्रू क्लिक वगैरह करते हो ना, तो उसमें इनपुट जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे क्लिक किया, मैंने जनरली प्रेफर्ड पे क्लिक किया, तो मैंने क्या किया, इनपुट किया, ओके। उसके बाद मैंने कीबोर्ड से अगर यहाँ पे कुछ लिखा तो वो क्या हो गया, हमने इनपुट किया। सो दीज आर ऑल दी इनपुट डिवाइस। कर्सर, कर्सर किससे हम मतलब मूव करवाते हैं, हम अपने माउस से मूव करवाते हैं, ओके। सो दैट इज ऑल अबाउट इट। उसके बाद आउटपुट डिवाइस में जाते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे कि मैंने आपको बोला प्रिंटर,
इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कलर प्रिंटर, आप प्रिंटर के जो है वैरायटी लिख देना, फैक्स मशीन भी लिख सकते हो आप किसी को फैक्स करना हो तो. ओके समझ आ गया, दिस इज ऑल अबाउट द हार्डवेयर. ओके एंड नाउ कम टू दिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज अ रिटन प्रोग्राम दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, दीज आर सॉफ्टवेयर. ये कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम डेटा को जो है इनपुट करते हैं, डेटा को डालते हैं, जहाँ पे हमारी डेटा सेव रहती है, स्टोर्ड रहती है. ओके तो जैसे अगर मैं बोलू कि अगर मुझे डेटा वगैरह कैलकुलेट करना है, तो मैंने एमएस एक्सेल खोल लिया, वहां पे मैं जो है मार्कशीट बना रही हूँ किसी की, तो वो जो है क्या हो गया, हमारा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसमें डेटा स्टोर है. ओके उसको हम टच नहीं कर सकते, दीज आर सॉफ्टवेयर, दीज आर दी प्रोग्राम्स. ओके सो उसके बाद अ डेटा प्रोसेसिंग एंड मैपिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स द फॉलोइंग मॉड्यूल्स. तो डेटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स, जहां पे हम डेटा को एंट्री कर सके, एडिट कर सके, ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन, देन डेटा डिस्प्ले एंड आउटपुट, जिसमें डिस्प्ले और आउटपुट हो सके, ट्रांसफॉर्म कर सके हम उसको. ठीक है तो ये सारी काफी इजी है. देखो डेटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स इनबिल्ट होते हैं इसमें, जैसे फैसिलिटेट द डेटा एंट्री सिस्टम इंटरफेस, डेटाबेस क्रिएशन, एरर रिमूवल, स्केल, प्रोजेक्शन, मैनिपुलेशन, देयर ऑर्गेनाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ द डेटा. बेसिकली इसमें यही बोला जा रहा है, वो जो सॉफ्टवेयर्स होती है उसमें बेसिकली डेटाज एंट्री करने की फैसिलिटी मिले, उसको एरर जो है मतलब जो भी गलतियां है वो रिमूव करने की फैसिलिटी मिले. ओके डेटाबेस क्रिएशन हो, जैसे हम कंट्रोल जेड दबाते हैं तो अंडू हो जाता है. ठीक है जो हमने गलतियां की है उसको हम जो है दोबारा अंडू कर सकते हैं. ओके दोबारा रीडू भी कर सकते हैं. सो ये जो है एरर रिमूवल है, हम इसको डिलीट कर सकते हैं. ओके हम रिमूव कर सकते हैं, तो बेसिकली जहां पे हम एंट्री कर सकते हैं, गलतियों को रिमूव कर सकते हैं, स्केल प्रोजेक्शन ये सारी चीजें कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं द डेटा एंट्री एंड एडिटिंग मॉड्यूल्स. Any of these and other related data entry, editing, management capabilities might be performed. उसमें edit कर सके, management कर सके, ठीक है management of the capabilities. So icons हो, screen हो, ये सारी चीजें जो है basic है, काफी easy है. And कुछ जो आजकल यूज होता है कमर्शियली जो यूज किया जाता है वो है एमएस एक्सेल, या फिर गूगल की स्प्रेडशीट भी आती है. ओके तो आप वहां से जाके जो है कर सकते हो. उसके बाद जो है हम देखते हैं नीचे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन मॉड्यूल्स. सो द प्रेजेंट डे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ कैपेबिलिटी टू क्रिएट अ लेयर्स ऑफ स्पेशल डेटा कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन एडिटिंग, वही सेम चीज है. ओके उसके बाद है डेटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स. तो डेटा डिस्प्ले एंड आउटपुट मॉड्यूल्स क्या है देखो. सो फर्स्ट है लाइक जूमिंग या फिर विंडोइंग. ठीक है जूमिंग या फिर विंडोइंग टू डिस्प्ले ऑफ दिस सिलेक्टेड एरियाज एंड स्केल चेंज ऑपरेशन. तो जो सिलेक्टेड एरियाज है उसको डिस्प्ले करने के लिए, जूम करने के लिए. ठीक है तो दैट इज द फर्स्ट वन. उसके बाद है कलर असाइनमेंट और चेंज ऑपरेशन. ठीक है थर्ड है कि थ्री डायमेंशनल डिस्प्ले. ओके थ्री डायमेंशनल डिस्प्ले की बात हो रही है. सिलेक्टिव डिस्प्ले ऑफ वेरियस थीम्स, अगर आपको सिलेक्टिवली कुछ चीजें देखनी है, इस थीम को स्पेशली देखना है, तो सिलेक्टिव डिस्प्ले होता है. फिर पॉलीगन शेडिंग, लाइन स्टाइलिंग, पॉइंट मार्कर्स डिस्प्ले, तो ये डिफरेंट टाइप्स है. ओके उसके बाद देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर योर यूज. तो यहाँ पे मैं बेसिकली बता दूं है क्या. सो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसको आप यूज कर सकते हो डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए, दैट इज एमएस एक्सेल और स्प्रेडशीट. तो मैं आपको जो है एमएस एक्सेल में पहले दिखाऊंगी, यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है उसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए. देखो एमएस एक्सेल इज ऑल्सो कॉल्ड स्प्रेडशीट प्रोग्राम. एक गूगल की स्प्रेडशीट भी आती है जो मोबाइल में भी आप डाउनलोड कर सकते हो. सो वहां पे भी जो है हो जाएगा ये. ओके एंड उसके बाद इट इज विच इज यहाँ पे है द इंटरसेक्शन ऑफ रो कॉल सेल. तो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि एम एस एक्सेल पे चीजें करनी कैसे है, उसके बाद जो है हम इसको दोबारा देखते हैं. ओके सो देखो दिस इज एम एस एक्सेल. तो आप अपने विंडो में राइट क्लिक करोगे, वहां पे न्यू में जाओगे. ओके एंड उसके बाद आप देखना है एम एस एक्सेल की, आपको एक ऑप्शन दिखेगी, वहां पे क्लिक करना, तो आपको एक एम एस एक्सेल की ऐसे पेज खुल जाएगी. अब यहाँ पे चीजें देखो क्या है, ये तो आपकी सारी मेन्यू है. ओके यहाँ पे देखो काफी सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे आप डिफरेंट है, आपको जो है आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, यहाँ
यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, यहाँ पे डिफरेंट जो है फॉर्मेट करने की जगह मिल जाएगी, डिलीट करने की जगह मिल जाएगी। देखो तो हम क्या पढ़ रहे थे, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ रहे थे जहाँ पे डेटा एंट्री करने की जगह हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरी डेटा एंट्री करने की जगह है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने की जगह है, डिलीट करने का जगह है, इंसर्ट करने की जगह है, ओके। एंड यहाँ पे जो है हम सिलेक्टिव चीजें भी देख सकते हैं, जैसे हमें जो है रेड कलर में 11 फॉर्म कैलिब्रे फॉन्ट में 11 साइज में कुछ चीजें देखनी है, या फिर हमें बार ग्राफ में कुछ देखना है तो हम सिलेक्टिव भी उसको देख सकते हैं। तो देखो मैं पहले चीजें समझा दूं, ये पूरा आपका मेनू बार है, आपको यहाँ से देख के समझ आ ही रहा होगा। ये जो है ये इनको कहते हैं सेल, जो ये सिलेक्ट हो रखा है ना इसको क्या बोलते हैं, सेल। तो अब देखो ये सारे है कॉलम्स रोज, ओके। ये देखो सो दिस इज सेल, ये जो सेल है इसको हम क्या बोलेंगे, A1। क्यों, देखो यहाँ पे A लिखा हुआ है एंड यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ओके। सो इस सेल को हम क्या बोलेंगे, A1। इसको हम क्या बोलेंगे, D4, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे, D4। इसको हम क्या बोलेंगे, A9, ओके। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस इज A9। तो आपको ये इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे चीजें करना कैसे है देखो, तो मान लो हमने एक सर्वे किया, जहाँ पे हमने एक सर्वे किया कि सबके पेरेंट्स जो है या फिर सबके सब बच्चों के जो है कितने नंबर आए हैं, ओके। सो हमने जो है यहाँ पे नेम लिखा, यहाँ पे मार्क्स लिखा, ओके, मार्क्स लिखा एंड यहाँ पे मार्क्स ऑफ यूनिट 1, जो यूनिट टेस्ट हुआ था आपका उसके मार्क्स हमने लिखे, और जो यहाँ पे सी सेल है वहां पे हमने लिखा कि यूनिट 2। तो मान लो हमने क्या किया, यूनिट 1 के मार्क्स एंड यूनिट 2 के मार्क्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम मैं अपना नाम लिखती हूँ, ओके। एंड यूनिट 1 में मान लो मेरे आए हैं 40 में से 35, ओके। एंड सेकेंड यूनिट में मेरे आए हैं 40 में से 33, ओके, ठीक है। उसके बाद किसी और का हमने नाम लिखा, उसके बाद हम ऐसे सेम चीजें कर सकते हैं। अब देखो तो यूनिट 1 में मेरे आए 35, यूनिट 2 में मेरे आए 33। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, टोटल मेरे कितने नंबर हुए कौन कैलकुलेट करेगा इतना, है ना। तो इससे ज्यादा हम इससे बेहतर होगा हम एक फॉर्मूला लगा ले, इक्वल टू लिखना, ठीक है। ये वाला कौन सा ब्लॉक है, कौन सा सेल है, B2, इसको सिलेक्ट कर दिया, प्लस जो है C2, ठीक है। अब इसको एंटर दबाना है, दिस इज इक्वल टू 38, मतलब मेरे को 80 में से जो है, मतलब 40 40 में दोनों एग्जाम हुए थे उसमें से 68 टोटल आए हैं, ओके। समझ में आया, मींस यूनिट 1 और यूनिट 2 को मिला के हमारे पास कितना नंबर आया, 68 टोटल। सेम हम दूसरा करते हैं, लेट्स टेक अनदर नेम दैट इज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़े ऊट पटांग नंबर लेते हैं, लाइक 37 एंड इसको भी 29, ठीक है। अब ये अभी कौन कैलकुलेट करेगा, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू यूनिट, ये देखो B3, सॉरी B3 प्लस C3, एंटर मार दिया, हमारे पास आ गया 66। समझ आया। एक और चीज मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, लाइक मैंने कोई और नाम ले लिया, ठीक है, एक बॉय का नाम ले लिया, उसके बाद इसके आए हैं फर्स्ट यूनिट में 37, सेकेंड यूनिट में 28, ओके। तो इसका कितना होगा, इक्वल टू लगाना, ये कौन सा यूनिट है हमारे पास, देखो B4, तो B4, ओके, प्लस क्या लिखना है आपको, C4, ठीक है। तो मैनुअली भी कर सकते हो, आप इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हो, देखो टोटल कितनी इजीली हो गया, राइट। तो ये जो है सेल है, ये यहाँ पे आप ऐसे करके इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, समझ आ गया। अब देखो इस चीज का जो है हम एक बार ग्राफ बनाते हैं, तो बार ग्राफ कैसे बनाना है, इसको सिलेक्ट कर लो, ओके। इसके बाद आपको इंसर्ट में जाना है, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, कॉलम। तो यहाँ पे मान लो हमें 2D कॉलम बनाना है या फिर ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बार बना दिया ये वाला, ओके।
तो आपके पास ये देखो ग्राफ आ गया, समझ रहे हो? तो ये देखो ग्राफ आ गया आपके पास, यहाँ पे टोटल कितने आए, टोटल मेरे कितने आए, 68 आए, ओके, यूनिट वन में, यूनिट टू में टोटल। तो ये ब्लू कलर अंकिता का है, उसके बाद स्नेहा का है, शुभम का है। सो ऐसे करके जो है आप इसको ग्राफ भी बना सकते हो। क्या करना है, इजी है, इसको पहले सिलेक्ट कर लो, ठीक है? उसके बाद इंसर्ट पे जाओ, पाई चार्ट दिख रहा है, पाई अगर बनाना है ऐसे बना लो, ठीक है? आपके पास पाई चार्ट आ गया, ओके, इसको यहाँ पे डाल दो। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कंप्यूटेशन, ठीक है? कंप्यूटर के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो, देखो मैंने दोनों डेटास लगा दिए, तो आप अभी समझ सकते हो व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं, पहले डेटा को इनपुट कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, ओके, इसमें एडिट कर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है कोई चीज तो आप डिलीट कर सकते हो, सिंपल डिलीट मार दो, डिलीट हो जाएगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह भी कर सकते हो आप, रो हाइट, ठीक है? रो हाइट अगर बढ़ाना है आपको, ठीक है, तो 15 से मान लो मुझे रो हाइट बढ़ाना है 20 तक, तो रो की हाइट बढ़ गई। देखो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर रखा था, इस रो की जो है हाइट बढ़ गई, ओके। लेट्स अंडू दिस, दोबारा मैं दिखाती हूँ, ये वाला रो है, ओके, इसको मुझे बढ़ाना है, तो देखो रो हाइट अब मुझे मान लो 30 करना है। देखो रो हाइट बढ़ गई, दिख रहा है आपको? सो दिस इज फॉर्मेटिंग जो मैंने की, फॉर्मेटिंग, ओके। उसके बाद कोई डिलीट करना है तो ये वाला सेल जो है आपको डिलीट करना है, तो देखो डिलीट हो गई, समझ गए? सो इसमें काफी कुछ जो है हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस एमएस एक्सेल। तो यहाँ पे दोबारा चलते हैं, देखो सेल के बारे में हमने जान लिया, उसके बाद देखो ये भी हमने पढ़ लिया, मेनू बार दिखा दिया, आइकन बार दिखा दिया, सेल दिखा दिया। यस, ये जो है शीट्स है, ये शीट नंबर वन है, ये शीट टू है, ये शीट थ्री है, तो आप जितने शीट चाहो इसमें यूज कर सकते हो, ओके। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया। और उसके बाद देखो डेटा एंट्री, स्टोरिंग, नंबर पैड कैसे करना है, यहाँ पे देखो स्टेप दिया हुआ है, उसको मैंने आपको इजीली दिखा दिया। ये स्टेप्स आप आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने दिखा दिया, तो चीजें अभी इजी हो जाएगी आपके लिए, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे सेम वही चीज, ये जो है कैलकुलेट कर रहे हैं अर्बन पॉपुलेशन, तो इतने बड़े नंबर भी आप ले सकते हो, ओके, आप परसेंटेज भी निकाल सकते हो इससे, तो हम परसेंटेज निकाल के देखते हैं। सो हम इसको डिलीट नहीं करते, यस, यहाँ पे हम परसेंटेज निकाल के देखते हैं कितना आता है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, देखो फिर से मैं अपना नाम लिखती हूँ, ओके, सो ये सारे मैं डिलीट कर देती हूँ। कैसे डिलीट करना है आपको, पूरा जो है सिलेक्ट करना है, ओके, मैं यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ सारा, और क्या करना है, डिलीट, या फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो, ओके, तो डिलीट हो जाएगा, ओके। तो ये भी डिलीट करना पड़ेगा, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है, ओके। यहाँ पे क्या करना है, फिर से हम जो है नेम लिखते हैं, ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे प्रीबोर्ड लिखते हैं एंड टोटल मार्क्स लिखते हैं, ठीक है, टोटल, ओके। सो नेम क्या है, मैं अपना दोबारा नाम लिख देती हूँ। प्रीबोर्ड में मेरे कितने हैं, 100 में से हम मानते हैं 100 में से 95 आए मेरे, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हैं, 100, ओके। सो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज, क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, फर्स्ट इक्वल टू का साइन लगाना है, ओके, उसके बाद इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डिवाइडेड बाय, तो पहले हम डिवाइड का साइन लगाएंगे, उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, इंटू 100, इंटू 100 कितना आया, 95%, कितने परसेंटेज, 95। अब मैनुअली आप कैलकुलेट करके देखो, तो आई होप आपको पता होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि काफियों को डाउट रहता है इन सारी चीजों में। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ रो हाइट बढ़ा के, ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे, मान लो हमारे पास जो है टोटल है पॉपुलेशन कितनी है, 100, ठीक है, एंड उसमें से अर्बन पॉपुलेशन कितनी है,
वो है 40। ओके तो अब आपको परसेंटेज कैसे निकालना है, तो 40 पहले लिखना है, ओके उसके नीचे 100 लिखना है एंड उसके बाद जो है, ठीक है, इनको डिवाइड करना है, 40 डिवाइडेड बाय 100। तो आपको क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाय 100 फिर इंटू 100। इसलिए क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे 100 की जगह 200 होता टोटल पॉपुलेशन तो हम क्या लिखते, 200। समझ आ गया? तो आई होप समझ आ गया हो। ओके क्योंकि हमें पहले लिखना है कि हमने कितने मार्क्स स्कोर किए, कितने में से स्कोर किया, ओके इंटू 100 क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। आई होप इट्स क्लियर। ओके सो ऐसे करना है। उसके बाद मैं दोबारा एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अगर आपको ये इजी लग रहा है, जैसे मैं किसी और का ले लेती हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने मानो 87% लिया आउट ऑफ 87 लिया आउट ऑफ 90। टोटल मार्क्स कितने थे, 90। अब परसेंट कितना होगा, इज इक्वल टू लगाना है, फिर क्या लिखना है आपको, B3 ओके डिवाइडेड बाय C3 ओके इंटू क्या करना है आपको, इंटू 100। कितने परसेंट आए, 96.66%। देखो 96.66% मतलब कितना हुआ, 97%। 0.5 के बाद वो अगला नंबर जो है उसको काउंट करना होता है। ओके जो है थर्ड टाइम में और एक नाम लिखती हूँ। ओके इसके कितने आए, मान लो 56% आउट ऑफ 100, 56% आउट ऑफ 90। ओके क्योंकि 100 थोड़े इजी हो जाता है तो आपको, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इज इक्वल टू देती हूँ। फिर मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। ओके 62.22%। तो अगर आप अभी कैलकुलेट करने बैठोगे काफी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा ये मेथड काफी अच्छा है। अगर अभी आपको जो है पाई चार्ट बनाना है तो जाना इंसर्ट पे, पाई बनाना, पाई चार्ट बन जाएगा। समझ में आया? सो यहाँ पे जो है पाई चार्ट बन जाएगा, ये बस मेरा बना है। ओके सो ये बस मेरा बना है, ठीक है, समझ में आया? अगर कोई भी डाउट है ना इस प्रोसेस में, प्लीज मुझे क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी बहुतों को जो है थोड़ा सा डाउट रहता है इस मैथ्स वैथ्स के चक्कर में, तो अगर कोई भी डाउट है यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहां पे आपको कोई भी डाउट है तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। चलो तो इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज में। तो देखो अभी तक मैंने आपको ग्राफ वगैरह बना के दिखा दिया, कैसे प्लस माइनस फिर परसेंटेज कैसे निकालते हैं दिखा दिया। अब सेंट्रल टेंडेंसीज का मतलब क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक मीन हो गया, ठीक है, एवरेज, ठीक है, जो एवरेज हम निकालते हैं ना, ठीक है, जो मीन निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं एक्सेल के थ्रू, वो भी हम दिखाते हैं। चलो यहाँ पे जो है आपको स्टेप्स बोला गया है कि कैसे क्या करना है। ओके मैं आपको दिखा भी देती हूँ कैसे आना चाहिए। ये देखो ये आपका बॉक्स है एंड ये जो आप नीचे देख रहे हो 113.06, ये सारे मीन निकाले गए हैं, ठीक है, ये सारी डेटाज है एंड इसकी मीन निकाली गई है। अब कैसे निकालते हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। हमने मीन मीडियन मोड पढ़ा है, अभी तक हाथों से बनाते आए हो, ठीक है। सो अभी कैसे आपको बनाना है, अभी आपको कंप्यूटर से बनाना है, ठीक है, वो ही हम देखते हैं एमएस एक्सेल के थ्रू कैसे बना सकते हैं। देखो तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डेटाज लिख के रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं कुछ और भी डेटाज दे देती हूँ, लाइक 2012 टू 2020 21 का, ठीक है, मतलब अभी तक का जो डेटा है। उसके बाद यहाँ पे मान लो और एक नंबर है 114 या फिर 116.3। ओके अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये डेटा है, मान लो आपके पास ये डेटा है। ओके अब आपको क्या करना है, इस चीज का मीन निकालना। अब आपको काफी टाइम लगेगा इसको मीन कैलकुलेट करो एंड ऑल, तो यहाँ पे इजीली हो जाएगा। देखो ये वाला आपने सिलेक्ट किया है, कौन सा मैंने सिलेक्ट किया है, B7, इसको मैंने सिलेक्ट किया है। अब आपको इस फंक्शन में जाना है, देखो FX लिखा हुआ है, ठीक है, इंसर्ट फंक्शन। यहाँ पे आपको जो है स्टैटिस्टिकल में जाना है, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल पे जाना है। हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, इसलिए एवरेज पे क्लिक करना। ओके तो यहाँ पे हमारे एवरेज आ गया। अब आपको सबकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज क्या है देखो मैं बता देती हूँ। एवरेज मतलब आप यहां से, मतलब B2 से, ये वाले से आप कब कहां तक निकालोगे, इस वाले तक, ठीक है। तो B2 ओके इस टू
ठीक है, एवरेज इज टू यहां तक, मतलब बी टू से बी सिक्स इतने सारे नंबर है, इसका आप एवरेज निकालोगे तो हम ओके कर देते हैं। इसका एवरेज कितना आया, 113.8। समझ गए कितना आया, 113.8। लो हमने कलर भी कर दिया, दिस इज इट्स मीन। ओके, ऐसे सेम हम अभी दूसरी चीजें लिखते हैं ना, तो उसकी भी आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे ऐसे करके आपको जो है मीन निकालना है, और उसके बाद कोरिलेशन और स्टेप डेविएशन मेथड भी है। तो देखो यहाँ पे कोरिलेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे एक ले लेते हैं, कोरिलेशन के लिए आपको कहाँ पे जाना है, यही स्टैटिस्टिकल पे आना। उसके बाद देखना आपको एक एस से मिलेगा एक वर्ड, देखो ये जो है ना, ये है कोरिलेशन, ये जो है स्टेप डेविएशन मेथड वाला, ठीक है, ये स्टेप डेविएशन का है, मैं बस ऐसे दिखा रही हूँ। तो ये सारी चीजें आपको जो है ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे निकालते हैं, उसके बाद आप खुद भी देख सकते हो। इसके बाद दोबारा हम कोरिलेशन देखते हैं, तो आपको जो कोरिलेशन, स्टेप डेविएशन मेथड, मीन, मीडियन, मोड, ये सारे ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में है, बस हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे कंप्यूटर में हम निकालते हैं। ओके, तो कोरिलेशन के लिए एक आपके पास होगा कोरियल, ठीक है, दिस इज कोरिलेशन मेथड, जिसमें एरे वन एरे टू वो सब आपको जो है डेटास देने हैं। समझ गए? तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, स्टेप डेविएशन किससे करते हैं, कोरिलेशन किससे करते हैं, यहाँ पे हमने मीन निकाल के देखा है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो है मीन निकाल के देखा है। सो चलते हैं हमारे पीडीएफ जो है बुक में, यहाँ पे देखो हमने ये सारे देख लिए हैं कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो स्टैटिस्टिकल पे गए, फिर एवरेज पे गए। ओके, सो यही मेथड है, उसके बाद यहाँ पे नंबर डालना होता है। तो इसमें कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई कैन अंडरस्टैंड कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी कर लिया है, हमने कोरिलेशन का भी देख लिया, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा देख लो। ग्राफ्स बनाना मैंने आपको सिखा दिया कि आप पहले सबको सिलेक्ट करो और उसके बाद जो है उसका ग्राफ आप इजिली बना सकते हो, ठीक है, ये देख लो, हमने ग्राफ वगैरह सब कुछ यहाँ पे जो है ऑलरेडी देख लिया है। ओके, नाउ हमें क्या देखना है, कंप्यूटर असिस्टेड मैपिंग, तो स्पेशल डेटा क्या है, एंड उसके बाद नॉन स्पेशल डेटा क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, यही सारी चीजें हैं। तो स्पेशल डेटा क्या है, देखो दिस स्पेशल डेटा रिप्रेजेंट द जियोग्राफिकल स्पेस, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पॉइंट्स, लाइंस और पॉलीगन्स, लाइन मैपिंग, ये जो सारी चीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल डेटा। जैसे उसमें हमें क्या क्या दिखता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें फीचर्स होते हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, वेल्स, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मैप्स होते हैं जहाँ पे आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल कहाँ है, वेल कहाँ है आसपास, मतलब कौन सी जो है चीजें हैं, जैसे आसपास अगर पुलिस स्टेशन हुआ आसपास या हॉस्पिटल हुआ तो वो भी उसमें दिखते हैं, ठीक है, रेलवे लाइंस, कनाल्स, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पेशल फीचर्स, ठीक है। सो लीनियर फीचर्स लाइक दिस एंड पॉलीगन फीचर्स आर मेड ऑफ कनेक्टेड लाइंस, सो ये सारी जो चीजें हैं ये क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, स्पेशल डेटा, जहां पे आपको ये सारी चीजें भी देखने को मिलेगी, फॉरेस्ट कहाँ पे है, लैंड कहाँ पे है, पॉन्ड कहाँ पे है, लेक्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे एक एक जियोग्राफिकल फीचर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसको स्पेशल डेटा बोला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉन स्पेशल डेटा, सो द डेटा डिस्क्राइबिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेशल डेटा आर कॉल्ड नॉन स्पेशल और एट्रीब्यूट डेटा। तो नॉन स्पेशल डेटा क्या है, देखो स्पेशल डेटा में आप स्कूल, हॉस्पिटल, तालाब वगैरह सब देख सकते हो, बट नॉन स्पेशल डेटा में उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे अगर वो स्कूल है तो स्कूल का नाम क्या है, उसके बाद उसमें कौन से सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, कितने बच्चे हैं, शेड्यूल का है एडमिशन का, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन स्पेशल डेटा। ओके, उसके बाद सोर्सेज ऑफ जियोग्राफिकल डेटा क्या है, सो जियोग्राफिकल डेटा अवेलेबल इन एनालॉग मीन्स मैप एंड एरियल फोटोग्राफ्स में आपको दिख जाएगा, स्कैंड इमेजेस में, ठीक है, उसमें दिख जाएगा, ठीक है, जो जीआईएस सिस्टम है उसमें जो है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल डेटा क्या है। तो उसके बाद लास्ट टॉपिक मैपिंग सॉफ्टवेयर एंड देयर फंक्शन, सो मैपिंग के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर है, तो अभी मैं आपको ये नहीं दिखा सकती बिकॉज मेरे पास अभी नहीं है ये सारे सॉफ्टवेयर, बट अगर आप चाहो तो आप इसको कर सकते हो, एआरसी जीआईएस, ठीक है, एआरसी व्यू, जियो मीडिया, ग्राम, ओके, इद्रिसी, जियोमेटिका एक्सेट्रा, तो इसके थ्रू जो है आप क्या कर सकते हो, मैपिंग कर सकते हो। अभी तक जो है हमने मीन, मीडियन, मोड और ग्राफ बनाना, ठीक है, उसके बाद बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सब बनाना देखा है, कोरिलेशन करना एंड स्टेप डेविएशन मेथड करना, ये सारी चीजें हमने देखी है, बट अगर आप मैपिंग वगैरह करना चाहते हो तो ये कुछ सॉफ्टवेयर के नाम यहाँ पे लिखे हुए, आप उसको यूज कर सकते हो, थ्रू दिस आप वहां से कर सकते हो। समझ गए? सो दैट इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, काफी इजी है क्योंकि यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल
है आपका, ठीक है, आपको अगर प्रैक्टिकल अच्छा लगता है, कंप्यूटर में ये सब वर्क करना अच्छा लगता है, तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। कुछ भी नहीं है, बस जो हमने चीजें मैनुअली पढ़ा है, मतलब जो हम चीजें मैनुअली करते थे उसको हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं, वही सारी चीजें हैं। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक इट, एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इट डाउन द कमेंट सेक्शन। आई कैन अंडरस्टैंड, काफी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है, सो दिक्कत आ रही है समझने में, सो यू कैन राइट इट डाउन, एंड प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करना। टिल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।